यह एक मैग्नेटिक फ्लाईव्हील रोटर है जो इंजन के क्रैंकशाफ्ट के स्पीड के बराबर लगातार घूमता रहता है। इसके अंदर इस स्टेटर कॉइल को फिक्स किया जाता है जो बिल्कुल शांत होता है। इसके कॉइल में लगातार एसी करंट बनता है। यहाँ बनने वाले एसी करंट को एक, दो या तीन फेज आउटपुट के रूप में लिया जाता है। साथ ही साथ इस स्टेटर के बॉडी से एक ग्राउंड भी लिया जा सकता है। यहाँ पर पिकअप कॉइल से एसी पल्स या एसी करंट जो बहुत छोटा समय के लिए होता है लगातार निकलता रहता है, और यह इस येलो मैग्नेट के पिकअप कॉइल के नज़दीक से होकर जाने के कारण होता है। स्टेटर के इस हिस्से को पोल कहते हैं और यह कम ज़्यादा हो सकता है। तीन फेज आउटपुट होने के लिए इसमें पोलों की संख्या तीन के जोड़ी में होता है, जैसे कि 3, 6, 9 या 12। पोल्स की संख्या चाहे जितनी भी हो, कॉइल्स की संख्या तीन ही रखी जाती है। इन तीनों कॉइल्स को आपस में प्रायः डेल्टा कनेक्शन में जोड़ा जाता है। डेल्टा कनेक्शन कुछ इस तरह का होता है जहां तीन कॉइल्स से तीन फेज आउटपुट निकलता है। यहां ध्यान से देखने पर पता चलता है कि तीनों तार आपस में जुड़े हुए हैं, अतः यह तीनों फेज आपस में कंटिन्यूटी बनाएगा। कंटिन्यूटी टेस्ट, आइए कंटिन्यूटी मोड पर कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। चूंकि तीनों फेज आपस में जुड़े हुए हैं इसलिए ये आपस में कंटिन्यूटी बनाएंगे और एक बीप का आवाज़ भी आएगा। अगर ऐसा हुआ मतलब कॉइल बिल्कुल सही है। अब एक ग्राउंड वायर स्टेटर के बॉडी से लिया जाता है जो कॉइल्स के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए यह किसी भी फेज वायर के साथ कंटिन्यूटी नहीं बनाएगा और कोई बीप का आवाज़ भी नहीं आएगा। रेसिस्टेंस टेस्ट, रेसिस्टेंस मतलब अवरोध होता है। चूंकि तीनों फेज और कॉइल्स आपस में जुड़े हैं और ये कॉपर वायर होते हैं इसलिए इनके बीच करंट का अवरोध बहुत कम होना चाहिए, साथ ही साथ आपस में बराबर होना चाहिए। यह अवरोध 1.1 या 1.2 ओम का हो सकता है। पर जब इसे हम यहाँ यह हरे रंग के ग्राउंड तथा एक फेज में चेक करेंगे तो यह 400 से 600 ओम दिखा सकता है, चूंकि यह डायरेक्ट जुड़े नहीं हैं। वोल्टेज टेस्ट, मोटर बाइक में किक मारने पर किसी भी दो फेज या ग्राउंड के साथ चेक करने पर यह 20 से 70 वोल्ट एसी आउटपुट शो करेगा। पिकअप कॉइल टेस्ट, पिकअप से बनने वाला एसी करंट को एसी पल्स कहते हैं क्योंकि यह बार बार बहुत छोटा समय के लिए होता है। एसी वोल्टेज टेस्ट करने पर यह 0.3 से 0.5 वोल्ट के बीच शो करेगा। पिकअप कॉइल के बॉडी से निकले ग्राउंड वायर के साथ यह कंटिन्यूटी नहीं बनाएगा। रेसिस्टेंस टेस्ट, पल्स वायर और ग्राउंड वायर के बीच रेसिस्टेंस 130 से 160 ओम के बीच हो सकता है।